नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं तेजी मंदी ऐप की, जो कि मोतीलाल ओसवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस ऐप की क्या खास बातें हैं, आप लोग इस ऐप को कैसे यूज कर सकते हो, प्रॉस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, सारी चीज़ें अपन इस वाले वीडियो में जानने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों, ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र ऐप है, जो कि आप लोगों को ये बताता है कि आप लोगों को कौन से स्टॉक पिक करने चाहिए, कौन से स्टॉक सेल करने चाहिए, एंड यहाँ पर आप लोग अपने पोर्टफोलियो को कनेक्ट भी कर सकते हैं। अब वो वाली इन्वेस्टमेंट हो सकता है आप लोगों ने एंजल पे कर रखी हो, आप स्टॉक्स पे, जेरोधा पे, कहीं पर भी कर रखिए, आप लोग डायरेक्टली उस वाले एप्लीकेशन पे जो पोर्टफोलियो बना रखा है ना, उसको डायरेक्टली यहां से कनेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों, कनेक्ट करने के बाद ये एप्लीकेशन आप लोगों को क्लियरली बता देगा कि उस पोर्टफोलियो के कौन से स्टॉक्स आप लोगों के लिए अच्छा करने वाले हैं और कौन से स्टॉक्स आप लोगों के लिए बेकार कर सकते हैं इन फ्यूचर। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को इस एप्लीकेशन पर कुछ क्रिएटेड, ऑलरेडी क्रिएटेड पोर्टफोलियोज देखने को मिलेंगे, जो कि ऑफकोर्स इनके एनालिस्ट्स के द्वारा तैयार किए गए हैं। आप डायरेक्टली चाहें तो उन पोर्टफोलियोज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, उन पोर्टफोलियोज की कंडीशंस क्या हैं, किन कंडीशंस पे आप लोग वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या इस एप्लीकेशन को यूज करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है या फिर बेकार, मैं सारी चीजें आप लोगों को इस वाली वीडियो में बताऊंगा। एंड सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं आप लोगों को कि ये वाला वीडियो बिल्कुल भी पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, तो आप लोगों को एक्चुअली में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस एप्लीकेशन को बेसिकली यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इस एप्लीकेशन को डाउनलोड एंड रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इस एप्लीकेशन को आप लोग गूगल प्ले स्टोर या फिर इंडिया के खुद के ऐप स्टोर इंडस ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर दोस्तों आप लोग इंडस ऐप स्टोर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो एंड स्क्रीन में मैं एक वीडियो दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वो वाला वीडियो देख सकते हो। इस एप्लीकेशन के आज के डेट में 3.8 स्टार की रेटिंग है, 10 के रिव्यूज़ हो चुके हैं, 1 मिलियन मतलब 10 लाख से भी ज़्यादा लोग ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। एंड दोस्तों, इंडस ऐप स्टोर पर एक 7 स्टेप एंटीवायरस सिक्योरिटी चेक होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस चेकअप ये एप्लीकेशन कम्प्लीटली सेफ है। जैसे ही दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन आप लोगों के मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है, तो सिंपली आप लोग अपना मोबाइल नंबर डाल करके और जीमेल आईडी डाल करके यहां पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे ही आप लोग इस एप्लीकेशन के डाउनलोडिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, तो आप लोगों के सामने इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये बेसिक और सिंपल सा इंटरफेस होता है तेजी मंदी एप्लीकेशन का। यहाँ पर अगर आप नीचे देखोगे तो आप लोगों को 4 सेक्शन देखने को मिल जाएंगे, होम, पोर्टफोलियो, रिसर्च एंड अकाउंट वाला सेक्शन। इसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, बिकम अ प्रीमियम सब्सक्राइबर। तो सिंपली अपन सब्सक्राइबर पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को मेन 2 प्रोग्राम इनके देखने को मिल जाते हैं। एक तो है तेजी मंदी फ्लैगशिप प्रोग्राम और एक है तेजी मंदी मल्टीप्लायर प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले तेजी मंदी फ्लैगशिप प्रोग्राम वाले सब्सक्राइब पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर बेसिकली अपन डिटेल्स जान लेते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आपको यूज़ करना है या नहीं करना, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अगर यूज़ करना भी है तो भी यार दोस्तों, एक बार पहले ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कई बार लोगों को डिटेल्स पता नहीं होती, पीछे क्या चीज़ें लिखी हुई हैं अंदर, वो चीज़ें पता नहीं होती, बट उनको दिख रहा होता है कि अच्छा, CAGR 44% मिल रहा है, मतलब अगर हमने 100 रुपये लगाए तो 1 साल के अंदर हमें 44 रुपये मिल जाएंगे एक्स्ट्रा। तो बस दोस्तों, यही देख करके लोग बहुत सारे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली आप लोग सारी चीज़ें जान लो, फिर इन्वेस्ट करना या नहीं करना वो आपकी मर्जी है। तो बेसिकली दोस्तों, इस पोर्टफोलियो में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप लोग 35,489 कर सकते हो, इससे कम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर नहीं कर सकते। CAGR इसका 44% होता है, मतलब हर 1 साल में आप लोगों को 100 रुपये पर 44 रुपये मिलते जाएंगे। इसका इन्वेस्टमेंट होराइजन रहेगा 2 ईयर्स तक के लिए और रिव्यूड होगी। बेसिकली यहाँ पर भी ये लोग जो कंपनीज है ना, उनको कई बार सेल करते रहते हैं, नई कंपनीज़ को ऐड करते रहते हैं, तो रिव्यूड बेसिकली ये वाला पोर्टफोलियो होता है वीकली बेसिस पर। इस वाले पोर्टफोलियो में जितनी ही भी इन्वेस्टमेंट आती है, उस वाले इन्वेस्टमेंट को कोई ना कोई इनका मैनेजर मैनेज कर रहा होता है, और उस पैसे का लगभग 72% इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में लगा रखा है, 22% मिड कैप कंपनीज में लगा रखा है और 6% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगा रखा है। अगर दोस्तों आप लोग इस वाले पोर्टफोलियो के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर अबाउट दी पोर्टफोलियो में जाकर के पढ़ सकते हो कि यहाँ पर बेसिकली 15 से 20 स्टॉक की एक बास्केट होती है, जिनमें ये लोग आपका पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, निफ्टी 500 में से ही ये लोग वो उन 15 से 20 मिड कैप या फिर मल्टी कैप कंपनीज़ को पिक करते हैं। तो बेसिकली काफ़ी सेफ तरीके से ये लोग आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंसेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि निफ्टी 500 में अगर आपने पैसा लगाया होता तो कितना होता, और इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम में अगर आपने पैसा लगाया होता तो कितना होता। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड, FD और इन्फ्लेशन से भी इन्होंने बता रखा है आपके पैसे को। ठीक है, कि अगर आपने 2016 में अगर आप 10,000 रुपये लगाया होता तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग वो पैसा 12,000 हो जाना चाहिए था, FD में डाला होता वो पैसा तो 12,000 हो जाता, गोल्ड में डाला होता वो पैसा तो 12,800 के आसपास हो जाता, और वही अगर 10,000 पैसा आपने तेजी मंदी में डाला होता तो लगभग 36,000 हो जाता। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वाले पोर्टफोलियो में इन्होंने जिन स्टॉक्स को पिक कर रखा है ना, उन स्टॉक्स को आप अभी नहीं देख सकते कि कौन कौन से स्टॉक्स इन्होंने पिक कर रखे हैं। जब आप इनका 12 मंथ्स का जो प्लान ले लोगे सब्सक्रिप्शन प्लान, तभी आप लोग इन स्टॉक्स को देख पाओगे।
अगर दोस्तों इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम के चार्जेस देखते हैं तो यहाँ पर अगर 12 मंथ का प्लान लेते हैं तो 1188 आपको पे करने पड़ेंगे और ये प्लान आप लोगों को 99 रुपये पर मंथ के हिसाब से पड़ रहा होगा। और अगर आप 6 मंथ का प्लान लेना चाहते हैं तो वो आपको 894 का पड़ेगा और वो 149 रुपये पर मंथ के हिसाब से पड़ रहा होगा। अगर दोस्तों आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ 99 रुपये पे करके एक मंथ के लिए प्लान ले लोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, आप लोगों को मिनिमम 6 मंथ या फिर 12 मंथ के लिए इनका प्लान लेना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों तेजी मंदी मल्टीप्लायर वाले प्रोग्राम को देखते हैं तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 38,000 की होने वाली है, CAGR 47%, थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है उसके कंपैरिजन में, रिव्यूड बाई वीकली बेसिस पर होता है, इन्वेस्टमेंट ओराइजन यहाँ पे 3 ईयर्स का है। यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसे का लगभग 15% लार्ज कैप कंपनीज में लगा रखा है, मिड कैप कंपनीज में 35% लगा रखा है और स्मॉल कैप कंपनीज में 48% लगा रखा है। इसका मतलब ये वाला जो मल्टीप्लायर प्रोग्राम है या फिर मल्टीप्लायर पोर्टफोलियो है ये कंपैरेटिवली उस वाले पोर्टफोलियो के रिस्की है। अगर दोस्तों आप इस वाले पोर्टफोलियो के बारे में भी पढ़ना चाहें तो अबाउट दी पोर्टफोलियो में जाकर के पढ़ सकते हैं। परफॉर्मेंसेस को चेक करना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपैरिजन करके भी देख सकते हैं, गोल्ड FD एंड इन्फ्लेशन के साथ में भी इनका कंपैरिजन आप देख सकते हो। अगर दोस्तों सब्सक्राइब नाउ वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने 2 मोस्ट पॉपुलर प्लान्स बता रखे हैं। अगर आप 12 मंथ का प्लान लोगे तो वो 3,588 रुपये का पड़ेगा जो कि 299 रुपये पर मंथ के हिसाब से पड़ रहा होगा, और अगर दोस्तों आप इनका 6 मंथ का प्लान लेते हो तो वो आप लोगों को 2,394 रुपये का पड़ेगा जो कि 399 रुपये पर मंथ के हिसाब से पड़ रहा होगा। तब दोस्तों रिसर्च वाले ऑप्शन पे बेसिकली इन दोनों ही पोर्टफोलियोज के रिव्यूज आते रहते हैं एंड स्टॉक मार्केट में जो लेटेस्ट न्यूज रहती है वो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। अकाउंट वाले सेक्शन पे बेसिकली जाओगे तो यहाँ पर आप अपने माई प्रोफाइल को चेक कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप नंबर को यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, जिससे बेसिकली आपने लॉग इन कर रखा है उसको अपडेट कर सकते हो, कोई दूसरा करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अपडेट ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे रजिस्टर करते हुए डाली अगर आप उसको चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। ऐप प्रेफरेंसेस में जाओगे तो आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, इस एप्लीकेशन के लिए एम पिन जनरेट करना चाहो तो एम पिन जनरेट कर सकते हो, एंड सेवी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वगैरह पढ़ सकते हो। और इन द एंड अगर आप लोगों को ये एप्लीकेशन यूज करने के बाद भी पसंद नहीं आता है तो आप यहां से लॉग आउट कर सकते हो और अपने खुद के सेटिंग और ऐप मैनेजमेंट वाले सेक्शन पर जाकर के यहां से अपना सारा डाटा क्लियर कर सकते हो। अब फाइनली दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को सभी को क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि आप इस एप्लीकेशन पे इन्वेस्ट करो या फिर ना करो। मैं पर्सनली अपनी तरफ से एक चीज़ जरूर बता देता हूं कि अगर आपका इस वाले एप्लीकेशन में इन्वेस्ट करने का मन है भी है तो पहली चीज़ तो यार यहाँ पे एक चीज़ गलत है कि यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर रखी है इन्होंने, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप करना भी चाहते हो फिर भी करना चाहते हो तो मैं एक कॉशियसनेस रखने के लिए जरूर कहूँगा कि आप इनका एक बार सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर के जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर उतना अफोर्ड कर सकते हो तो ही लेकर के देखिएगा, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो बिल्कुल लेकर के मत देखिएगा, ठीक है। आप लोगों को सिंपली वो वाला प्लान लेना है और वहां पे चेक करना है कि इन्होंने कौन कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है और फिर देखिएगा, ट्रैक कीजिएगा 1 से 2 मंथ के लिए कि एक्चुअली में वो कंपनीज उतना बेहतर परफॉर्म करती हैं जितना ये लोग बताते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जरूर देखिएगा। तो फाइनली दोस्तों इस वाली वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। कोई भी डाउट या क्वेरी आती है आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, एंड स्क्रीन में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने को भी जरूर मिल जाएंगे, आप वो वाले वीडियोज़ भी देख सकते हो, ठीक है। इंडस ऐप स्टोर का वीडियो भी आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।